हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 44 जो आपको मिलेगी 14 अक्टूबर को, यानी कि 14 अक्टूबर को मिलेगी। इसके अंदर हमारा वही टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, आई थिंक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर प्रीवियस वर्कशीट में हमने डोबरनियर स्ट्राइड्स पढ़ लिया था और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लिया था। तो मैंने पिछली वर्कशीट जो आपको बताया तो उसके अंदर हमने क्या था कि जब न्यूलैंड का लॉ डोबरनियर जब फेल हुआ तो न्यूलैंड ने अपना सिद्धांत दिया। अब जब न्यूलैंड फेल हो गया तो वहाँ पे उसके बाद में आए हमारे मेंडलीव, और मेंडलीव को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है, इवानोविच मेंडलीव, ठीक है। सो इनका पूरा नाम था, बहुत टफ नाम है भाई। उसके बाद देखिए, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउज। चाउज मतलब तरह तरह की बातों और तरह तरह की ऑर्डर्स के बाद में, तरह तरह की चीज़ें होने के बाद में, तरह तरह के ऑर्डर्स आने के बाद में एक ऑर्डर उन्होंने बनाया, उसको एक व्यवस्था दी, सुव्यवस्थित किया। काफ़ी सारी जो पीछे हो चुका था न्यूलैंड्स का लॉ को लेके, डोबरनियर स्ट्राइड को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। उन्होंने देखो क्या किया, इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर ए पैटर्न दैट को रिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया तो उसके बाद भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा था कि वो पीरियोडिक जो है, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको एडजस्ट कर सके। उसके लिए उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनके और एटॉमिक मासेस के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो निकाला जा सके। द मेन क्रेडिट जो है वो जाता है हमारे जो मेंडलीव हैं, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को, जो एक रशियन केमिस्ट थे। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसीलिए इनको जो है वो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इनके पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा जो है वो सहायता मिली थी क्लासिफिकेशन करने के अंदर, पीरियोडिक टेबल बनाने में। यहाँ पे देखिए, द टेबल एलिमेंट्स वेयर इन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मासेस एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी के कारण, कुछ अदर प्रॉपर्टीज के अंदर फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है और एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर इन्होंने जो है वो इनको क्लासीफाई जो है वो किया था, अरेंज किया था। अब जो मेंडलीव थे उनके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या थे। उनका जो वर्क जन्म हुआ था वो टोबोल्स्क इन वेस्ट साइबेरिया में हुआ था, जो रशिया के अंदर है, 8 फरवरी 1834 को। द अरेंजमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट प्रपोज की थी मेंडलीव ने, उसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। The periodic table proved to be the unifying principle in the chemistry. It was the motivation to the discovery of some new elements. तो मेंडलीव के टेबल बनने के बाद में जब उन्होंने वर्गीकृत कर दिया, सब चीज़ों को क्लासिफिकेशन उनकी कर दी, तो कुछ नए एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट जो है वो लग गए, क्योंकि पीछे वाले तो उन्होंने अरेंज कर दिए थे, अब नया बनाना है तो और ढूंढने पड़ेंगे। तो जब मेंडलीव्स ने अपना टेबल बनाया था तब उनके पास 63 एलिमेंट्स थे। उन्होंने एग्जामिन किया इनके एटॉमिक मासेस के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप ये ढूंढने लगे। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि सिर्फ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं ना, उनकी ही जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों है ना, आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। ऑलमोस्ट सबके साथ ये पीरियोडिक टेबल में या जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ऑलमोस्ट सबके साथ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, अब देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड्स बनेंगे, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। तो जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड बनेंगे बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। वो जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनेंगे उनका जो नेचर होगा वो एक बेसिक प्रॉपर्टी माना जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए। ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर ही ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने जब इस एलिमेंट्स को अरेंज किया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले को, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं, लगभग सारे एलिमेंट्स को स्थान मिल चुका था, प्लेस मिल चुका था पीरियोडिक टेबल में, और उनको कैसे रखा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर उनको रखा गया था, ठीक है। It was also observed that there occurs a periodic reoccurrence of elements with similar physical properties and chemical properties. थोड़े टाइम बाद में periodic, अब टेबल रखा हो तो periodic का मतलब क्या है, थोड़े टाइम बाद में reoccurrence होगी. मान लो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, हीलियम, उसके बाद में यहाँ पे लिथियम आ जाता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है. दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की वैलेंसी 1 है, ठीक है. तो इनके जो है वो ऐसे ही आगे जब सोडियम आ जाएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाता है. तो सोडियम के पास भी अगर हम डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो फिर बाहर वाले में 1 बच जाता है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 आ जाती है. तो ऐसे रियकरेंस जो है वो चलती रहती है. उसके बाद में मेंडलीव जो थे उन्होंने एक अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, और अकॉर्डिंग टू दैट लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यानी कि रियकर हो रही है ना एक आफ्टर ए टाइम इंटरवल और आफ्टर अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो दोबारा वैसा ही एक एलिमेंट दोबारा आएगा जिसकी वैलेंसी सेम होगी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये जो आपको टेबल दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर भी आपको दिया होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ. ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो है. तो यहाँ पे उन्होंने किया क्या है, देखो यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्राइड लिखे हैं, ये ऊपर वाला ऑक्साइड है, नीचे वाला हाइड्राइड है, यहाँ पे ये पीरियड्स हैं, ठीक है. और यहाँ पे देखो ए बी ए बी ए बी लिखा हुआ है. आपको सबसे पहले R2O लिखा हुआ दिख रहा है. R2 का मतलब वो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो R हो गया H, यहाँ पे बेरिलियम है तो R का मतलब है BE, यहाँ पे बोरोन है तो R का मतलब है B, यहाँ पे कार्बन है तो R का मतलब है C, ठीक है, कार्बन. तो ऐसे ही क्या बनेंगे कि कैसे उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनेंगे. तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो R2O है, R2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2, तो यही तो बनता है H2O. और वैसे ही अगर मैं हाइड्राइड की बात करूँ तो H तो एक है और एक H और आएगा, R2 दिया हुआ है, RH दिया हुआ है, तो यहाँ पे H और H क्या बन गए, H2, हाइड्रोजन साथ में आ गया, ठीक है. वैसे ही अगर मैं यहाँ से एल्युमिनियम को उठा लेती हूँ तो ये देखो R2O3, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा Al2O3, और इसका हाइड्राइड अगर हम बनाएंगे तो बनेगा AlH3. वैसे ऐसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती पर ये हम मान के चलते हैं, ठीक है. सो ऐसे जो है वो हाइड्राइड्स बनते हैं. आप यहाँ से बना के देख सकते हो, ट्राई करके देख लेना, ठीक है. उसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चंस, इसी के टोटल 5 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं. सो 1 by 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कुछ इनके अंदर हमसे पूछा गया है, और आराम से पूरा डिटेल में करेंगे. ये नहीं है कि भागना नहीं है, ठीक है, भागना नहीं है, आराम से करेंगे इसको. सो जल्दी से मूव कर लेते हैं सॉल्यूशंस. सो बेटा देखिए पहला क्वेश्चन है, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जैसे पोटाशियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम. तो सबसे पहले अगर पोटाशियम की बात करूँ तो वो 1A ग्रुप का मेंबर है. 1A ग्रुप का मेंबर होने का मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी ना, इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1. इसकी वैलेंसी है 1 वैलेंसी, और हमने इसका ऑक्साइड बनाना है, और ऑक्सीजन के पास बाहर वाले शेल में होते हैं 2. ऑक्सीजन क्या है, 2 ले सकता है, 8 होता है ना, तो 2 और 6 बनेगा. अगर इसको 2 मिल जाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, इसलिए इसको 2 चाहिए, पर हमारे पास तो 1 ही है, पोटाशियम 1 ही है ना. सो पोटाशियम 1 होने के कारण अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पोटाशियम लगा देंगे, तो 1 पहले वाले पोटाशियम की और 1 दूसरे वाले पोटाशियम की, टोटल कितनी होगी, 2. तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, K2O, ठीक है. ऑक्सीजन को हमेशा ही 2 चाहिए, आप चाहे किसी का भी बना लो, 2 चाहिए होंगे, तो हम देखेंगे कि 2 है या नहीं. उसके बाद में अगर मैं कार्बन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है. बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टेट्रा वैलेंसी होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है. सो बाहर वाले में 4 है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, पर इसके पास 4 है, तो अब हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगी. पहले हमें 2 पोटाशियम चाहिए थे ना, अब हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगी, ताकि 2 और 2 4 वो ले सके. तो दोनों को मिला के, 2 ऑक्सीजन को मिला के हमारे पास बनेगा CO2 या C2O4 भी बनता है, ठीक है. CO2 ज़्यादा कॉमनली माना जाता है. उसके बाद में तीसरा एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो 3rd A में से, 3rd A का मतलब वैलेंसीज 3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा ये, तो 1 ऑक्सीजन जो है वो तो 2 ही लेगा, फिर 1 और बच गया, 1 और बच गया, तो 1 ऑक्सीजन और लेके आना पड़ेगा. अब ये तो लोचा हो गया, अब देखो 4 लेगा ये, अब इसके पास तो 3 ही है, तो हम अगर क्या करें कि बोल दें कि एल्युमिनियम को 3 कर दूँ, तो इसके पास तो 6 हो गए, हमें तो 4 ही चाहिए, तो हम 1 ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं, तो 2 2 4 6 और 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन, तो हमारे पास बन गया Al2O3, ठीक है. उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि यहाँ से आपका वैलेंसी 1 होने का मतलब जो ऑक्सीजन आएगा वो 1 आएगा, यहाँ पे वैलेंसी 4 है तो यहाँ पे 4 भी आ सकते हैं और 2 आते हैं, यहाँ पे वैलेंसी 3 है तो पीछे देखिए ऑक्सीजन 3 है, ठीक है. अब सिलिकॉन की बात अगर मैं करूँ तो फोर्थ ए का है, तो इसकी वैलेंसी होगी 4। ऑक्सीजन एक को चाहिए 2, ठीक है, हमारे पास है 4, तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 2 2 4, तो हम लगा देंगे 2 ऑक्सीजन, या अगर आप 2 सिलिकॉन लेते हो तो 4 ऑक्सीजन लग जाएंगे, ठीक है, तो वो बन गया SiO2 या Si2O4, ठीक है। नेक्स्ट इज बेरियम। बेरियम करता है सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग, तो सेकेंड ए का मतलब है इसकी वैलेंसी होगी कितनी 2, सेकेंड ए 2A है ना, तो 2 वैलेंसी होगी। अब एक ऑक्सीजन को 2 ही तो चाहिए, तो BaO बन गया या Ba2O2 बन गया, ठीक है। जितने बेरियम बढ़ेंगे उतने ही हमारे पास ऑक्सीजन भी बढ़ते जाएंगे, क्लियर। अब एक चीज़ और है, कई सारी जगह पे आपको कई सारे वीडियोस में सीधा ये लिखवा दिया जाएगा K2O, CO2, Al2O3 ये सब कुछ, बट बेटा यहाँ पे देखो यूज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और प्रिडिक्ट करता है, बताना है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को यूज़ करके, तो आप ये सारा लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही किसी के बातों में नहीं आना है, तो पूरा लिखना है। उसके बाद में व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव्स, तो इसका एक छोटा सा आप आंसर लिख सकते हो, दैट इज एटॉमिक मासेस, या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। या तो आप सिर्फ इतना लिख दो, एक चीज़ आपको याद हो जाएगी मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, अदरवाइज आप इसका आंसर में सिर्फ एटॉमिक मासेस लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, वट वर द क्राइटेरिया यूज बाई मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, तो 3 क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किया था। पहला तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि एटॉमिक मास, उसके बाद में एलिमेंट्स इन ए ग्रुप विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो ऑल एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप के अंदर, ऑल एलिमेंट्स आएगा ALL आएगा बेटा, ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फाउंड बाय एन एलिमेंट, और जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला बनेगा एलिमेंट्स के एलिमेंट्स का, वो जो है इन 3 चीज़ों पे उन्होंने जो है वो ध्यान दिया था। उसके बाद में है वाई इज द मेंडलीव कंसनट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फाउंड बाय द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्यों किया था, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स इनके बनते हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन एलिमेंट्स, दिस हेल्प मेंडलीव टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इंटू ग्रुप्स। तो अब ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हर कोई रिएक्शन कर लेता है, या ये हर किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज का, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप होते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। सो आपने ब्लैंक्स के अंदर लिखना है, पहले में ग्रुप्स और दूसरे में पीरियड्स। सो ये आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के आंसर्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सो ये हमारे पास हाफ आंसर है, ठीक है, और ये बाकी का बचा हुआ हाफ आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है, जल्दी से इसको पूरा कीजिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।